खतरनाक स्टेटमेंट है पाकिस्तान के लिए। इसका मतलब यह है कि तालिबान पीछे हट रहे हैं और वो जो हमें तवक्का थी कि वो टीटीपी के बारे में बहुत वाजे पॉलिसी अपनाएंगे, उन्होंने फिर गोलमोल पॉलिसी अपना ली है। और ये याद रखनी चाहिए हमें बात कि तालिबान चाहे वहाँ के हों या यहाँ के हों, ये असल में बुनियादी तौर पर जिहादी ग्रुप हैं। और जिहादी ग्रुप का अगर अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है तो वो लामहला अब नहीं तो बाद में चाहेंगे कि वो जिहादी नैरेटिव आगे चले, जिसका पाकिस्तान को नुकसान होगा। और अगर पाकिस्तान में कल खुदा ना खास्ता हमले होते हैं, हम किस मुंह से दुनिया के पास जाकर कहेंगे कि ये तालिबान ने हमारे साथ ये किया है? दुनिया तो कहेगी कि जी आपने खुद किया है, आप खुद भुगते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये हम इस तरह से दुनिया में वकालत तालिबान की ना करें। ये जो आखिर में ये जो जिधर आज हम हैं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। चल क्लिप देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नया पाकिस्तानी वीडियो लेके आई हूँ, तो एक बार वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। क्यों है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हमलों का सिलसिला ताहाल रुक नहीं सका है। दूसरी तरफ अफगान तालिबान की जानिब से अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने देने का बार बार ऐलान भी किया गया है, लेकिन अब इनके मौकफ में तब्दीली आ गई है और तर्जमान जबीउल्लाह कहते हैं कि टीटीपी का मामला अफगानिस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है। जुनैरा, क्या वाकई ये मामला पाकिस्तान का है? नहीं, मामला तो बिल्कुल पाकिस्तान का नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि उनकी सरजमीन नहीं इस्तेमाल होगी किसी भी और मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए, तो उनको ये याद रखना चाहिए कि 62 बेसेस हैं टीटीपी की इन अफगानिस्तान। और अगर वो 14 कौंसल खाने इंडिया के बंद कर सकते हैं ये समझते हुए, ये मानते हुए कि जो इंडिया है वो एंटी तालिबान है या एंटी अफगानिस्तान, जो भी उसका बिहेवियर है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है उसके साथ, तो फिर उन्हें वो 60 बेसिस भी न्यूट्रलाइज करनी पड़ेंगी। ये ज़रूर है कि इस वक्त जिस तरह का केओस वहाँ पर है, उसमें किसी भी तरह की पॉलिसी स्टेटमेंट में ज़बीउल्लाह मुजाहिद की अभी उसको मैं इतनी अहमियत नहीं देती, बिकॉज दिस इज़ तालिबान टॉकिंग। जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसके बाद क्या होता है, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, दैट विल डिटरमिन इन रियल टर्म्स। अभी फिलहाल जो हमले हो रहे हैं दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि इस वक्त वहाँ जो केओस है उसका फ़ायदा इंडिया भी उठा रहा है और वो जिसको भी आगे यूज़ कर रहा है, लेट इट बी टीटीपी, अभी तो वहाँ दाइश भी है, आईएसआईएस भी है और ये के नहीं है, खुरासान बिल्कुल नहीं है, ये भी एक इल्यूजन है। तो अभी की जो सिचुएशन है उसमें मैं समझती हूँ हमें अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने चाहिए, तालिबान पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट भी नहीं होना चाहिए। बहुत ही मिडिल वे में न्यूट्रल होकर चलने की जरूरत है, वेट एंड सी की जरूरत है और सिक्योरिटी सिचुएशन को बहुत ज्यादा गार्ड। सोहरावर्दी साहब, क्या कहेंगे कि टीटीपी का जो मामला है वो अफगानिस्तान का नहीं पाकिस्तान का है, ये बयान, इस बयान पे आप क्या तबसरा करेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये उम्मीद रखना कि तालिबान जो है वो टीटीपी के खिलाफ कोई अफगानिस्तान के अंदर बड़ा एक्शन करेंगे, मुझे इसकी तवक्को नहीं है, क्योंकि उनके दरमियान एक हम आहंगी मौजूद है, मजहबी हवाले से भी, सोच के हवाले से भी। अब ये कि वो वहाँ से पाकिस्तान पर वो कहेंगे कि जी हमने इनको मना कर दिया है, पाकिस्तान ने फेंस लगा ली है, इस तरह की जब वो गवर्नमेंट में आ भी जाएंगे तो बहुत सी तौजीहात पेश करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने रोकना होता तो वो इस वक्त भी उनकी कोई रेट इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो रोक ना सकें। जो काम उन्होंने रोकने हैं वो रोक रहे हैं और जो नहीं रोक रहे वो नहीं रोक रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि टीटीपी के हवाले से तालिबान की एक लीनियंट सी पॉलिसी रहेगी जो माजी में भी रही है, और जो जिन इलाकों में टीटीपी पहले रही है वो किसी न किसी तरह तालिबान के जेर असर ही रहे हैं पिछले 20 साल में। काबुल निकाल के जो पाकिस्तान की सरहद के करीब पश्तून इलाका है वो काफ़ी तालिबान के जेर असर रहा है। अब ये लोग कोई फजा से तो एकदम नाजल नहीं हुए कि आके इन्होंने इख्तदार संभाल लिया है या 75,000 की फौज बना ली है, ये इन इलाकों में पहले से मौजूद थे, ये इलाके इनके जेर असर थे। सब जानते हैं कि काबुल से 100 किलोमीटर दूर तालिबान की चेक पोस्ट भी हुआ करती थी, एक खामोश अंडरस्टैंडिंग थी। मुझे लगता है कि ये कोई गवर्नमेंट बनने के बाद भी उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी और एक टीटीपी के लिए जो शेल्टर है वहाँ पे वो एग्जिस्ट करता रहेगा। बाकी लिप सर्विसिंग है वो उसको कैसे क्या करेंगे क्या करेंगे, हमें अपना घर खुद ही साफ करना पड़ेगा, अपने बॉर्डर्स खुद ही गार्ड करने पड़ेंगे। अब आपको कमेंट आ गया, एनबीसी क्या कहेंगे आप इस मामले पर? नहीं, मेरा ख्याल बिल्कुल सही कहा मुजफ्फर ने कि सॉफ्ट कॉर्नर है एक, और क्योंकि जब आप जेलें खोलते हो तो आप देखते हो किसको रिहा कर रहे हो आप, तो ज्यादा से ज्यादा टीटीपी के लोग रिहा हुए हैं। बोलवा फकीर मोहम्मद को रिहा किया गया है, तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट आप बंदे,
और साथ ही साथ आपने ये भी कह दिया कि भाई पाकिस्तान का आपस का मामला है, वहाँ के उलमा तय करें क्या करना है। अगर देखें बंदे अफगानिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान में नहीं है, तो हमारा मामला कैसे हो गया? आप या तो उनको डिपोर्ट करें, पाकिस्तान के हवाले करें, गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले करें, या अगर वो गैर कानूनी तौर पर हैं तो उन्हें जेल से जेल में डालें, उनको रिहा क्यों कर रहे हैं आप? तो ये मामलात हैं और शायद ही चलते रहेंगे इस तरह। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी इस एतबार से बनाना होगी कि एक और मसला उसके सामने खड़ा होगा, एक और दरिया का सामना था जो मैंने देखा, तो वो वाली बात होगी और देखते हैं क्या बनती है शक्ल। लेकिन मुझे लगता है ये नहीं कि TTP की जो सरगर्मियाँ हैं वो कम होंगी, बढ़ रही हैं, वो बढ़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता और मुनज़्ज़म हो रहे हैं वो। डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब क्या कहेंगे आप? जी ये मेरे ख्याल में बड़ा ख़तरनाक स्टेटमेंट है पाकिस्तान के लिए। इसका मतलब ये है कि तालिबान पीछे हट रहे हैं और वो जो हमें तवक्का थी कि वो TTP के बारे में बहुत वाज़े पॉलिसी अपनाएंगे, उन्होंने फिर गोलमोल पॉलिसी अपना ली है। और ये याद रखनी चाहिए हमें बात कि तालिबान चाहे वहाँ के हों या यहाँ के हों, ये असल में बुनियादी तौर पर जिहादी ग्रुप हैं, और जिहादी ग्रुप का अगर अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है तो वो लामहला अब नहीं तो बाद में चाहेंगे कि वो जिहादी नैरेटिव आगे चले, जिसका पाकिस्तान को नुकसान होगा। और पाकिस्तान को जुनैदा ने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत मोहतात चलने की ज़रूरत है। अब ये सूरत हाल है कि हम मोहतात बिल्कुल नहीं है, हमारे तमाम वज़रा हत्ता के आज जो है वो अमरीका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं वो वहां पर तालिबान की वकालत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी तालिबान के बारे में दुनिया को अपना रवैया बदलना चाहिए। शेख रशीद साहब भी यही कह रहे हैं, मुईद यूसुफ यही कह रहे हैं, भाई अगर पाकिस्तान में कल खुदा ना खास्ता हमले होते हैं हम किस मुंह से दुनिया के पास जाकर कहेंगे कि ये तालिबान ने हमारे साथ ये किया है? दुनिया तो कहेगी कि जी आपने खुद किया है, आप खुद भुगते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये हम इस तरह से दुनिया में वकालत तालिबान की ना करें, खामोश रहें, अगर कुछ ओपनली नहीं कह सकते तो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, देखें हालात किस तरह से अनफोल्ड होते हैं, तालिबान के रवैये को देखें और फिर बात करें। ठीक है, अतर काजमी साहब क्या कहेंगे आप? देखिए TTP कोई तालिबान के दौर में तो वहां पे गई नहीं, तालिबान की तो अभी वहां पे हुकूमत ही नहीं आई। TTP को किसने पाला, किसने नर्चर किया, किसकी हुकूमत थी वहां पे, किस कितने ममालिक की फौज थी वहां पे, तो तालिबान को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? TTP को वहां पे जगह किसने फराम की, क्या हमें नहीं पता? वो हुकूमत जो हमारे बहुत सारे दोस्तों के लिए मोतबर हुकूमत थी अफगानिस्तान की, उसने TTP को नर्चर किया। मसला ये है कि अपने हम नजरिए को सामने रखते हुए हमने टारगेट करना है मखसूस लोगों को और जहां पे भी करना है, तो इस वजह से आप तालिबान जो आए तो हमें TTP याद आ गई। भाई तालिबान की पहले हुकूमत तो बनने दो ना। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई आलम दीन अगर कारोबार भी शुरू करे तो हम उसके ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं। वहां पे अभी तालिबान की हुकूमत आई नहीं है तो हमने तालिबान को डिस्कस करना शुरू कर दिया। डिस्कस ये करना चाहिए जो 20 साल से वहां पे अमेरिका और इतिहादी फौज बैठी हुई थी, वहां पे CIA बैठी हुई थी, उन्होंने वहां पे TTP को घुसने क्यों दिया, उन्होंने TTP को वहां पे पनाहगाह क्यों दी? तो मसला असल तो प्रॉब्लम उनकी है। तालिबान की अगर हुकूमत बनेगी तो हम तालिबान से भी बात कर लेंगे। ये वो सोच है कि जी बारिश शख्स को देख के प्रॉब्लम हो जाती है, वो जी जो ही तालिबान आए हैं उनसे प्रॉब्लम होगी, कि तालिबान की हुकूमत तो बनने दे। TTP वाकई हमारा मसला है, वो यहां से भाग के गए थे, लेकिन ये मसला हमारे लिए अशरफ गनी और उनके साथियों ने बनाया था, तालिबान ने ये मसला नहीं बनाया हमारे लिए। ठीक है, आपके ख्याल में तालिबान ने ये मसला नहीं बनाया?